हाँ जी हाँ जी, मैं आपसे कल मिलूंगी, जॉगिंग के लिए आऊंगी ना मैं, जब आपसे मिल लूंगी। ठीक है, आप मुझे वहीं मिलना। ओके, वहीं मिलना आप मुझे। आपसे मैंने कितनी बार कहा कि ये गलत उस पे जा रही है, पर आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी है। आप मेरे को उल्टा सीधा कहते हो, मेरे परिवार को उल्टा सीधा कहते हो, पर अपने परिवार में क्या चल रहा है वो नहीं देखते हो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बाल छोड़, बाल छोड़ दे, बस समझा, बाल छोड़ दे। मेरे खानदान की होड़ करेगा तेरे खानदान, पता मुझे तेरे खानदान का। मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है ना? हाँ, तुझे और मेरे परिवार में तो कमी दिख रही है, यहाँ मैंने इसमें कमी दिखा दी, पर अपने परिवार में कमी कहाँ से देखेगा, उसमें तो तू अंधा हो जाता है। मैं तो जा रही हूँ घर छोड़ के, जा रही हूँ मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं आपका छोटा भाई फैजल खान। जैसा कि आपको पता है, मैं फनी वीडियो, हेल्पिंग वीडियो, एक्सपोज वीडियो और प्रैंक वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल का नाम तैयब बिसरिया, इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आज आया हूँ मैं तिकोना पार्क में, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ धमाकेदार प्रैंक, और मुझे दिख रही है वहाँ एक लड़की। आओ चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो भैया? देख के चलो ना आप। अरे सॉरी, वो ना मेरा पैर फिसल गया था, मैं पीछे देखने लग गया था। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। हेलो, हाय, आई एम फैजल खान। अरे हाथ तो मिला लो। हाय पलक। अरे मैडम जी, हाथ तो छोड़ो। अरे हाथ छोड़ो फैजल भाई, हाथ मैंने नहीं, आपने पकड़ा है। ओ सॉरी पलक, ये बताओ इतने बड़े पार्क को छोड़ के यहाँ तन्हाई में क्यों बैठे हो? क्या राज है इसमें? आप मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं समझ गया, मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, आप अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा, बैठो आप। अरे अरे रुको, नहीं आप बैठ जाइए, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं किसी की मोहब्बत में रोड़ा नहीं बनना चाहता। चुप कीजिए आप। क्या हुआ? मुझे मोहब्बत लफ्ज से नफरत है, अब की बार नाम लिया तेरी गर्दन दबाऊंगी। अरे सॉरी बहन सॉरी, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो प्रैंक वीडियो बनाने आया था। वो रहा मेरा कैमरा। हाँ वो रहा वो रहा, एक बार हाय कर दो कैमरे को। हाय। अरे परवेश भाई कैमरा बंद कर दो यार। पलक अब तो आप ठीक हो ना? और अगर आप बुरा ना मानो, बड़ा भाई समझकर मेरे साथ एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, गर्मी भी बहुत हो रही है। शुक्रिया, पियो ना पियो। पलक एक बात बताओ बहन। बोलो भैया। कहाँ रहती हैं आप? उस खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे? क्या मतलब, समझा नहीं मैं भैया। मतलब साफ है,
जहाँ सर छुपाने की जगह मिल जाती है वही मेरा आशियाना है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता लुच्चे लफंगों से? तुम सुशील हो, जवान हो, खूबसूरत हो। नहीं। देखो बहन, औरत के पास एक खास चीज होती है, वो होती है इज्जत। और ना ये दुनिया भूखे भेड़िए की तरह उसे तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। भैया अभी आपने बोला कि आपको डर नहीं लगता, लोग मुझसे डर के भागते। रही बात घर की, उसके रास्ते मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब होते हुए भी अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे ऐसी बातें मत करो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका ऊपर वाला होता है। और मैंने तुम्हें बहन कहा है और तुमने मुझे भाई कहा है, और एक बहन के होते हुए भाई की कलाई सुनी क्यों? मैं कसम खाता हूं उस पाक परवरदिगार की, तेरे एक एक आंसू का बदला लूंगा, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। रो मत बहन, और आज हम बाहर का ही खाएंगे, आज मैं बहुत खुश हूं। चलो शर्माओ मत, अपना ही घर समझो। देखो इधर तो बाथरूम है, ठीक है, और अगर आपको हाथ मुंह धोने हैं वॉश बेसिन उधर है, और इस तरफ आपका ड्राइंग रूम है, इधर किचन है, और उसके के पीछे आपका बेडरूम, और मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ, आप हाथ मुंह धो लो। नहीं नहीं भैया, आप हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती। चलो छोटी बहन कह रही है तो बात तो माननी पड़ेगी। तौलिया वहां रखा है। भैया आप टेंशन मत लो, मैं सब पता लगा लूंगी। लो भैया। पलक, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, तुमने वो कोल्ड ड्रिंक भी ऊपर से पी थी, अब तुम खाना भी ऐसे करके ही खा रहे हो, क्या चक्कर है, क्या राज छुपा इस चेहरे में? नहीं भैया रहने दो। ये चीज मुझे तड़पा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे चेहरे के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, तो मैं ये बात नहीं मानूंगा। ठीक है भैया मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है तो बताओ। आज से 3 साल पहले मेरे घर में खुशियों का माहौल था, सबको मेरी शादी की खुशी थी क्योंकि मेरी सगाई होने वाली थी, मगर मैं अपना दिल अपने क्लासमेट आकाश को देती। तो मैं एक दिन जॉगिंग पे जा रही थी, अचानक उसका फोन आया। फिर क्या हुआ बाद? क्या हुआ उसके बाद तो बताओ क्या हुआ? आकाश, अरे मैंने आपसे कितनी बार बोला है, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? आज मैं अपने भैया से दिल खोलकर सारी बातें बोल दूंगी।
आप टेंशन मत लीजिए। अरे 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 भैया मारोगे क्या? हटो हटो, ऊपर चढ़ाओगे क्या? हटो हटो हटो। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद वो हुआ। अरे कोई है? अरे पानी लाना, एम्बुलेंस। अरे कोई है? एम्बुलेंस एम्बुलेंस। फिर वैसा हुआ। और उसके बाद क्या हुआ बहन? पुनीत मलिक, मोनिका शर्मा, राजन खान मेवाती, रोबिन सिंगारिया, हक्कू सिंगारिया, मुस्तफा सिरोलिया, जाहिद सिरोलिया, पलक मेरी बहन, पता है तुझे ये कार्ड किसके हैं? नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। ये कार्ड तेरी शादी के कार्ड है बहन। इसमें किसका नाम लिखा पता है? मैं पगली समझती है, शिवा को कुछ नहीं पता, शिवा की नजर से कोई नहीं बच सकता। इसमें नाम लिखा हुआ है आकाश। भैया आप बहुत अच्छे हो। ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे तुम सदा सुख रहना। हो गया क्या? क्या तुझे अपने भैया की याद नहीं आ रही? ऐ पलक, अब कल्लो कलूटी तेरे लिए मैंने शादी तक नहीं की, तो मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? अरे लोग कहते थे तेरी बहन है क्या?
फिर भी तुझे मैंने अपने सीने से लगा के रखा। अरे कल्लू कहा चली गई तू? कल्लू मैं बाप पे गया था, तू माँ पे गई थी, माँ पे। अरे तेरी सूरत देखता था मैं, समझता था माँ दिखती थी तुझमें मुझे माँ। पलक पलक मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, पलक पलक। अगर मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया ना, अगर मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया ना, काट दूंगा उसे, काट दूंगा। पलक पलक पलक। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे मरीज की, पेशेंट अनम की जान बचा ली गई है, वो खतरे से बाहर है, अंदर ऑफिस में आओ बात कर लेते हैं। मिस्टर तैयब, पेशेंट को सिर में गहरी चोट लगी की वजह से जो उसका खून था वो उसके अंदर ही जमा हो गया है, जिससे पेशेंट को कई खतरे रहते हैं, जैसे दौरा भी आ सकता है, नज़र जा सकती है और पेशेंट की याददाश्त भी जा सकती है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मरीज को ब्लड को जो जमा हुआ है दिमाग में उसको दवाइयों से धीरे धीरे, कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा और पेशेंट आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मगर एक बात का बहुत ख्याल रहे, इसको प्यार की बहुत सख्त ज़रूरत है, गलती से भी इसको गुस्सा ना आए। उसको 10 मिनट बाद होश हो जाएगा, आप उनसे मिल सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब। ये किसका घर है ये? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप कौन हो? दूर दूर हो जाओ मुझसे, पास मत आओ मेरे, करीब मत आओ, दूर हो जाओ मुझसे। ले ले मैं दूर हट गो, तू सारी बात न भूल गया अन्नम। अन्नम तू अब दिन याद कर, जब तू बाल्टा लेकर पानी ले जा रही, तू इस सारी मैं परेश आ रहा हो, फिर तू पलट के लखाई, फिर वहाँ के बाद हम हमेशा हमेशा साथ हो गए, मैं तेरा आदमी हूँ। अन्नम तू ठीक होगी, चले घर लो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अन्नम तू पहले घर ले चल, तो सब कुछ याद आ जाएगा। घर?
अन्नम ऐसे कहा देख रही है, यही घर है हमारा छोटा सा। कुछ याद आओ अन्नम तेरा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डोंट वरी, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की चाय पिए, मुझे गर्म गर्म चाय पिला दे, आ जा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे? एक कैसी बावली बात न करे अन्नम, तू हॉस्पिटल का इल्जाम है? बीमार होगी तू, या वजह से तू हॉस्पिटल ले गो? मैं तैयब, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। या दिमाग है इतना मत चला, डॉक्टर ने आराम करने कही है, जा जा के लौट जा। मेरे गले में काई लड़ जाती ना, तो ऊपर लारी ना नीचे ले जा रही, मेरे गले में जी पड़ी है। ये कहा बदतमीजी है? आप मेरे हस्बैंड हो, मैं आपकी वाइफ हूँ, इसमें क्या बदतमीजी है? इतनी मौज मस्ती तो चलती है। ऊ तो सब ठीक है, पर वो है ऐसे मजाक अच्छा ना लगे। आप मेरे हस्बैंड है, मैं आपको जैसे चाहे यूज कर सकती हूँ, मुझको रोकने वाला कौन है? कहाँ ले जा रही तू? अपने पीर जा रही हो, और पीछे मत आ जाना। अरे मेरी माई मोहे माफ कर दे, मोसु गलती होगी। मैं नहीं मानूंगी, मैं जा रही हूँ। तो जा। लेकिन ये तो बता दो, मेरा पियर है कहाँ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अरे बताओगे भी कुछ? मैं तो कितनी बार बताऊं, हमारा देश दो हिस्से में बट गो, एक हिंदुस्तान बन गो, एक पाकिस्तान बन गो। हमारे घर वाले और तिहारे घर वाले वे चले गए पाकिस्तान, कराची शहर में रहे वे। हम क्यों नहीं गए? अन्नम जब देश को बंटवारा हो रहा है ना, जब मुसलमान तो पाकिस्तान जा रहे और हिंदू हिंदुस्तान आ रहे। तन गदर फिल्म देखी है? हाँ देखी है। बस वही हुआ, तू असदमा बर्दाश्त ना कर पाई और तू कौमा में चली गई, मैं तो छोड़ के कैसे जाता? सॉरी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। लग तो गई दिखे तू।
मैडम, देर लगता कहा आई, यहाँ रखे अलमारी में, देर आ सके उन्हें। अरे नाश्ता तो करते जाइए आप, बना दिया है मैंने। माशाल्लाह आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, आप काम पर चले जाना और मुझे मार्केट छोड़ देना। वो तो सब ठीक है, दिन कौन सा? शनिवार। शनिवार तो मेरी छुट्टी रहे, आज तो मैं रेस्ट करूंगा, मैं इंतजार कहीं काम वाम पर। छुट्टी तो ठीक है पर मुझे मार्केट तो ले चलो। ऐ दिमाग की दही मत करे, आप ले आऊं, मैं चुप रहे। अरे रुको, अरे सुनो ना, रुको तो सही, अरे सुनो को, सुनो ना, रुक जाओ, रुको ना। कहा पागो, काइल हंस रही है। ये तन्हाई, ये छुट्टी का दिन, अच्छा मौका है रोमांस करने का, हंस जाने नहीं दूंगी। तो तुम मजाक कर रही है ना? नहीं, हमेशा इधर उधर हो जाते हो, आज बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ऐ मेरे मालिक, मेरी इज्जत मत। तैयब है? ओ तैयब है, आए दरवाजे खोलियो, तेरे दोस्त आए प्रदीप। चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल चुपचाप, आवाज मत निकालना। क्या हुआ? दोस्त प्रदीप और शकील भूखे भेड़िया, एक टाइम में 5-5 किलो खा जा, तू सही होगी, तेरे सही होने खुशी में बस पार्टी मांग रहे। तू ही चुपचाप बैठ जा, मैं अभी ठिकान लगा करूं। जी आप कौन? भाभी जी नमस्ते। हम नहीं समझते। अरे भाभी समझे चाह मत समझे, अपर नू बता दिन तैयब है गोके। वो नहीं है, वो कोरोना में, कोरोना की वजह से मर गई। कोरोना मर गो? तो भाभी नमस्ते, मैं चलो। नमस्ते जी, जाइए जी। कौन आगो? रुखसार। ये रुखसार कौन है? एनम सक बहुत करे, रुखसार तो मेरे क्लास में है, मेरे साथ पढ़ी। ठीक है। ए मेरी जान तो गुस्सा मत कर, आज मैं तो वास मिलवाऊं। ए प्रदीप यार, मैं तमन लो बताने वालो। हाँ भाई, कहा बताने वालों तो हमें लू। देख मैं वो शकील पहली बता रहो, कुत्ता की पहुंच ही नहीं निकलेगा, वो तो चलोगो, तू ही मैंने पकड़ लियो, अब बता कहा बता रहो। ऐ प्रदीप यार, मैं तुम बताने वालो, ये तुम्हारी भाभी है। भाभी? अब भाई यूकेश भाभी है, आ तेरी शादी कद होगी? ओ भाई ठीक हो गई, ठीक हो गई यार, ठीक हो गई यार, ठीक हो गई। अबे साले बाहर चल, बात सब बताता हूँ मैं तुझे, फोन करके बुला लेता, पार्टी चाहिए पार्टी ले लेता, तू चला जा यार, चला जा। ओ तैयब सुन सुन सुन, ओ सुन फिर बात सुन। अरे भैया यार, भाई चला जा, कोई बात ना, मैं सब बताता हूँ भैया, हाथ जुड़ा ले यार, चला जा। भाभी जी नमस्ते। अरे यार चला जा भाई यार, चला जा। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। गया 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 गया, चलो रुको, मुझे एक बात पूछनी है तुमसे।
अरे पूछो पूछो, एक नहीं दो तीन चार पाँच छह सात आठ पूछो। मुझे ये बताओ, आपके दोस्त ये क्यों कह रहे थे कि आपकी शादी कब हुई, और क्या आप अपने दोस्तों को शादी में नहीं लेके आए थे? नम इंडो कहने की मजाक करने की आदत है, अभी तो एक से मिली, अभी तो औरन से मिलाऊंगो। अच्छा, उनकी मजाक करने की आदत है, तेरी सुसु करने की आदत है। वैसे बहुत तगड़ो मजाक कर ले वे तू, शादी करने के बाद तो इंसान अपना आपे भूल जा, सुसु तो बहुत दूर की बात है। अरे चल चल यार, ज्यादा दिमाग मत खा, चल। शादी से पहले इंसान सात में आसमान की बुलंदियों में घूमे, और शादी होते ही धड़ाम धन इस जमीन पर आ गिरे। कहाँ जा रहे हो आप? वो कोई जरूरी काम याद आ गो, आ रो भी मैं। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू। बता बेटा कैसे आना करो? मौलवी साहब कहा बताऊं, मैं तो बहुत बुरी आफत में फंस गो, आप ही बता सको खाल। आ बेटा। आ बैठ बैठ, तशरीफ रख। बता बेटा कहा बात है? पाक परवरदिगार सब चीज को रास्ते निकाल दे। मौल साहब कहा बताऊं, मैं कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल लेके निकलो, झट्टी मेरी एक लड़की से एक्सीडेंट हो गो, फिर मैं तो लोग कहा बताऊं। अच्छा फिर बेटा आ गए साहब कहा बताऊं, ना मैं वाके नाम है जानू, ना वाके घरे जानू, ना वाके पते जानू मैं, मो तो बस इतनी पतो है कि वो हमें सुना है गैर है। गैर है तो कैसे पतो? मौल साहब वाके हाथ में ओम लिख रो। बेटा मैं तो सियाई बात कहूंगा कि तेने जब ना बताई ना तो सारी सच्चाई वालू अब बता दे। बेटा मुसलमान के घर में हंसीरा बन के तो कोई भी रह सके। मौलवी साहब हंसीरा को मतलब? ए अल्लाह के बंदो, तुमने हंसीरा को मतलब की ना पता? ए कुछ सीख लियो, कुछ दीन की तालीम भी ले करो। बेटा हंसीरा का मतलब है बहन, अपर शरीक हयात बनने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा, कलमे के दायरे में आना पड़ेगा और उस पर अमल भी करना पड़ेगा। सही कही मौल साहब तेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जो तेरी जरूरत का सामान है जल्दी से पैक कर ले, हमने कहीं जरूरी जाना पड़ रहा। पहले ये बताओ आप गए कहाँ थे? कहाँ जाते, मैं तो छोड़ के। बात बहुत बढ़ाते हो आप, सीधा सीधा बताओ ना गए कहाँ थे आप? हमारे साथ हीन तक ही हो, अभी आप बोझ लेके मैं और ना जी सकूं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं क्या पूछ रही हूँ आप क्या बता रहे हो? अन्ना मेरे तेरे कोई ना तो रिश्ता ना है, ना मैं तेरा आदमी ना तू मेरी मेहरबानी, मैंने तो जितनी बात बताई है सारी झूठी। मेरे महिलू मत लखा, पहली बार जिंदगी में सच बोल रहा हूँ। कैसे, फिर मैं कौन हूँ? मैं मोटरसाइकिल मिस्त्री हूँ और मोह राइडिंग का शौक है, मैं एक बार राइड के लिए निकला था। डॉक्टर आरिफ ने तेरी जान तो बचा ली, अपर तू अपनी याददाश्त खो बैठी, ना मुँह पर तेरो अतो ना पतो, एक मोबाइल हो वो गाड़ी के नीचे आके टूट गो। डॉक्टर साहब ने मुझसे नु कहिया प्यार मोहब्बत की सख्त जरूरत, अगर यार ई ना मिलो तो या की जान भी जा सके, मजबूरी में मोह तू अपने घर लानी पड़गी। मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान के घर में बहन बनकर तो कोई सदा मदा भी रह सकता है, लेकिन मेरी बीवी बन लू तो है कलमा पढ़ना पड़ेगा। मैं अल्लाह पाक की कसम खा रहा हूँ अन्नम, तू बेदाग है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के हजरत मोहम्मद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और सच्चे बंदे हैं। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। सब है तो ही जब था तो ही अब है, तो ही रहेगा दिल में हमेशा, तेरे बिना दिल को चैन ही कब है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही जब था तो ही अब है। लगे ना तेरे सिवा कोई सच्चा
अंदम सकल सूरत सुत खुतु खूबसूरत है के ना है, अपर दिल से बहुत खूबसूरत है। शिव भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलो। अच्छा हाँ, चल मेरे साथ। मैं ड्यूटी पर लेट हो रहा हूं। तैयब, ओ मेरी डोकरी के हो तुम, मेरे बगैर इजाजत मेरे घर में कैसे घुस गए? कौन हो तुम? शिवा है मेरा नाम, शिवा। अबे कटल्ले, मेरे इलाके में रहकर रखेल रखेगा तू ए हरामी? पूरे NCR में सिक्का चलता है मेरा सिक्का। शिवा भाई, तो कोई गलत फहमी हुई है, ये तो मेरी बीबी है। गलत फहमी तुझे होगी कुत्ते, ये शिवा की बहन है। शकील, शकील तू? शिवा भाई एक मिनट मेरी बात सुन ले, मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, यहां में मेरी कोई कमी ना है। क्या सुनने के लिए बाकी रह गया कुत्ता हरामी? एक हिंदू लड़की को अपने घर में मुसलमान बनाकर शादी करके उसके साथ रह रहा है, ये सुनाएगा तू मुझे? शिवा भाई मैं आपका हाथ जोड़ रहा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। खामोश, तुम्हें मैं वो सबक सिखाऊंगा, आने वाली तुम्हारी 7 पुस्त याद रखेंगे, याद। शिवा है मेरा नाम, शिवा। शिवा भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। शिवा भाई मैं तेरा जीजा। ओ शिवा, मेरी बात सुन ले, समझ ले, दिमाग में बिठा ले, नहीं जन का हो जाएगा। ए शिवा, तैयब का मतलब होता है पाक, मैं पाक और मेरी मोहब्बत पाक। मेरी बहन को तो तूने नापाक कर दिए कुत्ता।
छोड़ कहाँ थे? छोड़। ओ शिवा, हाथ मैंने ना तेरी बहन ने पकड़ रखो। शिवा, ये मेरी बहू है। अगर मेरी बहू को कोई मेरे सामने इतना बेइज्जत करेगा, या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा। अरे बहुत गर्मी है तेरे खून में। मैं अगर चाहूं तो तेरी हड्डी ने तोड़ के तेरा चूरमा बना दूं, मगर ये सजा तेरे लिए बहुत कम है। मैं तुझे मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, तेरे हाथ पांव तोड़ के। तुझसे अगर भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम शिवा नहीं। शिवा है मेरा नाम, शिवा, याद रखना। क्यों देखो, पकड़ो इन्हें। हाँ बहन जो, पकड़ो इन्हें, जल्दी पकड़ो।
भैया 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 भैया, इसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, इसने मेरी स्कूटी तोड़ दी और मेरा फोन भी पता नहीं कहाँ चला गया। भैया मारो इसे, मारो भैया इसे। बे कटल्ला, मैंने तेरे से बोला था ना, तुझे अपाहिज बना दूंगा, अपाहिज। भीख मांगेगा तो भीख, दर दर की ठोकर खाएगा तू ठोकर। शिवा से टकराने का मतलब है अपाहिज, अपाहिज हो गया तू, अपाहिज हो गया तू। अपाहिज हो गया है तू, अपाहिज। खान साहब, ओ खान साहब, खान साहब, सांस तो चल रही है खान साहब। अरे कोई है कोई? अरे कोई मदद करो, अरे कोई मदद करो हमारी एम्बुलेंस। अरे भाई कोई एम्बुलेंस तो मंगा दो। अन्नम अन्नम अन्नम, आ भाई तैयब, मैंने तो कितनी बार समझाया है, वो अन्नम ना है, वो पलक है, पलक जो या इलाके के सबसे बड़े डॉन है ना, वहाँ की बहाने हूँ, तू हमने मरवाएगो। वो तो भगवान को लाख लाख शुक्र है कि मैं टाइम पे आ गो, नहीं तेरो तब तक राम राम सत्य हो जाता। मोह दुखिया बात को, जस मेरे सबसे ज्यादा प्यार करो, वही ने मुझे धोखा दे दियो। आ भाई तोलवान धोखा ना दियो, तो सब बातें पता हो, वाक शर्म चोट ना लगी, उस सब बातन भूल गई, अब वाक दोबारा चोट लगी है, वाक सारी बात याद आ गई, वाक भाई जो डॉन है वन पहचान लियो, सिवा जो तेरे साथ जिंदगी बिताई ना मैंने, वो सारी जिंदगी भूल। फिर तो मैं वहां से मिलन लो जरूर जाऊंगा। तू मेरी डोकरी है, खुद तो मरोगा, हमने मरवाएगो। वाक बगैर मैं रह ना सकूं, या सो अच्छो तो हो सिवा मो मार दे तो। आ मेरी डोकरी के, जब तू अन्न मारो ना, जब तो है वे मरो समझ छोड़ गए, जिंदो समझ ना छोड़ गए, जब तो मैं ही लायो। ओ शिवा, बाहर निकल दे, कौन आयो है? या तो तू रहेगा या मैं रहेंगो, ये लड़ाई तेने शुरू करी ही और मैं खत्म करूंगा। शिवा बाहर निकल, शिवा बाहर निकल, बाहर। क्यों चिल्ला रहे हो? भैया घर पर नहीं है। पलक, मुँह तो सु बात करनी है। बोलो बोलो, क्या बोलना है? पलक, तेरे मेरो ब्याह होगो। अच्छा,
समझ गई, तेरी किस्मत अच्छी है जो भैया घर पर नहीं है, नहीं तो आया तो तू अपने पैरों पर था पर जाता किसी और दूसरों के पैरों पर। पलक तू मेरी बात यकीन कर, मेरे तेरे ब्याह होगा, मेरे तेरे निकाह होगा, ना मैं तेरे बगैर रह सकूँ ना जी सकूँ, मैं या दुश्मनाई जब ही खत्म कर सकूँ जब तू मेरे साथ चलेगी। चल, जिसका मुझे पता नहीं मैं नहीं मानती उस शादी को, रात गई बात गई, चल निकल। पलक जा मैं कह रहा हूँ यही सच्चाई है, खुदा के वास्ते तू मान जा नहीं बहुत पछताएगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया है बस। तैयब भाई कैसे परेशान कहा होगा? भाई प्रदीप तू सही कह करो, मैंने पलक बहुत समझाई, वहाँ ने मुझसे साफ मना कर दी, मैं ना मानू या शादी वादी है, वह बहुत घमंड है अपनी भाई की ताकत पर अपनी खूबसूरती पर। आ तैयब भाई कोई बात ना, अपना आप है संभाल कर रख। भाई प्रदीप कंट्रोल कुछ ना, एक दिन में वहाँ की खूबसूरती छीन लूंगा और जब देखूंगा भाई की ताकत है। आ तैयब भाई जो तो कर नो कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैम बोली जी क्या चाहिए आपको? क्रॉप टॉप दिखा दो और वो नायरा कट दिखा दो और जम सूट दिखा दो और गाउन दिखा दो, गाउन और वो सरारा दिखा दो। मैम ये ललित गारमेंट्स की शॉप है, यहाँ हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी आपको, सारे आइटम मिलेंगे जो चीज़ आपको चाहिए। मैम मैं अभी दिखाता हूँ आपको सारी वेराइटी, आप देख लीजिए। देखिए मैम ये नायरा कट मिलेगा आपको, ये इसका प्लाजो आएगा, साथ में इसमें चुन्नी आएगी, ये इसका नायरा कट का दूसरा डिजाइन मिलेगा आपको, ये इसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो आजकल जॉर्जेट में गाउन चल रहे हैं वो मिलेगा, इसके साथ पूरा दुपट्टा आएगा कंप्लीट। इसमें आपको कलर वगैरह काफी अवेलेबल मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे सब पसंद है, सब में से एक एक कर दो। ये लो। थैंक यू। बहन तू रो मत, ये यही मेरी दुख
बड़ी कहानी है। बहन तू चुप हो जा, अब फैजल खान की जिंदगी का एक ही मकसद है अपनी बहन के साथ हुए अत्याचार का बदला लेना। डॉक्टर साहब शिव आ गया, डॉक्टर साहब शिव आ गया है, डॉक्टर साहब शिव आ गया है, डॉक्टर साहब शिव आ गया है, डॉक्टर साहब शिव आ गया है। हैं? शिवा? डॉक्टर साहब शिव आ गया है। हैं? शिवा? नहीं नहीं आग रोगे में मरने मरने के नाम बैठ। ए डॉक्टर मेरी बहन का इलाज कर इलाज, वरना समझ ले तू गया, तू गया। शिवाजी आप शांति रखो, हमने आपके आने से पहले ही सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, हमने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया, आ जाओ आपको रिपोर्टें दिखाता हूँ। मुबारक हो, आपकी बहन 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, हमने माँ और बच्चा दोनों को बचा लिया है। ए डॉक्टर तेरा दिमाग सटका है क्या, मेरी बहन अनमैरिड है, अनमैरिड। जी तो कर रहा है छह की छत तेरे ठोक दूं, डॉक्टर तेरे नहीं चाहिए मुझे, रख रख तू ही रख उसे, तू ही रख। बहन आप यहाँ बैठ जाओ। भैया क्यों ना आए आप यहाँ पे? बहन आप अपने भाई पे भरोसा रखो और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। परवेज भाई कैमरा लेके आ जाओ पार्क में। सर आप बाइक मैकेनिक तैयब खान बोल रहे हैं? जी हाँ बोल रहा हूँ। सर मेरे दोस्त ने आपका नंबर दिया है, वो बाइक वगैरह आपसे ही सही करवाते हैं। अच्छा। सर मेरी बाइक रॉयल इनफील्ड क्लासिक है, वो तिकोना पार्क के पास खराब हो गई है और मैं पार्क में ही बैठा हूँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है। सर आप टेंशन मत लो, आपका जो भी चार्ज होगा वो मैं दे दूंगा, बस आप एक बार आ जाओ। क्या नाम बताया आपने? सर अब आपने चार्ज बता दो, मैं पहले फोन पे कर देता हूँ, आप अपना नंबर बता दो। फैजल जी मेरा चार्ज 100,000 रुपीज है। चलो कोई बात नहीं, कैश ले लेंगे जी, मैं आपके पास चेले भेज रहा हूँ, वो देख लेगा। नहीं नहीं मुझे आपको ही दिखानी है, आपका जो भी चार्ज बनेगा मैं वो दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप आ जाओ बस। चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। जी सर आप तिकोना पार्क पे आके ना कॉल कर लेना। ओके। हेलो जी सर कहाँ पे आप? हाँ जी हाँ जी अपने लेफ्ट में देखो आप। अच्छा अच्छा जी सर आ रहा हूँ।
अरे आओ सर, बैठो बैठो। सर मेरे पे बहुत काम पड़ो, आप रास्ता में फंस रहे, हमारे में सारा काम छोड़ कर आप काम करने लाए उस पहले। जी आपकी बहुत मेहरबानी है। सर आपकी मोटरसाइकिल कहाँ है? बंदा भेजा है, वो लेके आ रहा है, आप बैठो। सर ये बताओ, बाइक का कोई भी हिस्सा खराब हो जाता है तो उसे बदला जा सकता है? है कायल बालकन जैसी बात कर रहा हूँ, फैजल इज वेरी सिंपल। इंसान का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो? ए कहा कह रहे हो सर तू? जी चाहता है कि तेरे इस हाथ को काट दूं। कायलू मैंने कहा करो? क्योंकि तूने इस हाथ से एक हस्ती खेलती जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ए तो कौन है तू? कायलू गड़े मुर्दे नुखाड़ रहा? पुरानी बातन ने भूल गो, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, जाने से पहले अपना नौता तो लेके जा। जी जा जी। ओ मैं तेरे को हाथ गाड़ा, ओ बचाओ, ओ मैं हॉस्पिटल लेके जाओ, ओ मेरे ऊपर तेज जोर डाल दियो, ओ मेरे ऊपर के जोर तेज जोर डाल दी। ओ भाई अब मत डाल, ओ मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, अब मत डाल। कोई नहीं मैं डॉक्टर हूँ, सब ठीक कर दूंगी। यहाँ पे अब आप ठीक हो, अपनी आंखें खोलो। हाँ पहचाना ही नहीं। नहीं पहचाना, ये वही पलक है जिस पर तूने 100% तेजाब गिरा था, और मैंने तो तेरे ऊपर सिर्फ 2% तेजाब गिरा है, और उसमें 98% तो पानी था। जब भी तेरी फटके हाथ में आ गई, सोच और एहसास कर उस वक्त इस पर क्या बीती होगी। भाई मोह माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई मोह, माफ कर दे। अरे मुझसे क्या माफी मांग रहा है, मेरा तूने बिगाड़ा ही क्या है, जिसका बिगाड़ा है उससे माफी मांग। मुझे माफ कर दे पलक, मुझे माफ कर दे मोह, माफ कर दे पलक मोह, माफ कर दे। तू जैसी भी सूरत में मंजूर, आज मैं अपनी गलती का एहसास होगो। अरे भाई खड़ा हो जा, इंसान गलती का पुतला है, उससे गलती हो जाती है, पर वो अपनी गलती का एहसास कर ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। तुम दोनों गले लगो, और वैसे भी तुम्हारी शादी और सारी रस्में हो गई थी, बस तुम्हारी एक रस्म रह गई थी, क्योंकि तुम पे कोई कन्यादान करने वाला नहीं था, वो इसका भाई फैजल खान करेगा, और इसके जो भी खर्चा आएगा सर्जरी में वो भी मैं करूंगा। एक्शन। शिवा के होते हुए ये शादी कभी नहीं हो सकती। भैया भैया
मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे भैया की जान बख्श दो। मेरी बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने बहुत जुल्म किया अपनी बहन, बहुत जुल्म किया। ठीक कहा फैसल भाई ने, हमारी बहन की विदाई ऐसी होगी जो सदियों तक लोग याद रखेंगे। आह, 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 आह।